नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ इन वजहों के कारण मनाई जाती है छठ। प्रचलित है ये कहानियाँ। छठ पूजा उत्तर भारत में बेहद अहम त्यौहार या पर्व है। 4 दिनों तक होने वाले इस त्यौहार को महापर्व भी कहते हैं। इस पर्व में भगवान सूर्य की उपासना और अर्घ देने का नियम है। इस बार छठ पूजा 4 नवंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। यह 4 दिन का पर्व होता है। इसके अलावा इसे चैत माह में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने की नई कई कहानियां प्रचलित हैं। जानिए इन कहानियों के बारे में। इस दिन राम और सीता ने व्रत रख किया था सूर्य। राम और सीता ने भी छठ पूजा की थी। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए तब राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य की आराधना की और सप्तमी के दिन यह व्रत पूरा किया। इसके बाद राम और सीता ने पवित्र सरयू के तट पर भगवान सूर्य का अनुष्ठान कर उन्हें प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। कौरवों से राजपाट वापस पाने के लिए किया था द्रौपदी ने व्रत। महाभारत की द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था। शास्त्रों के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे और वह जंगल जंगल भटक रहे थे, यह सब द्रौपदी से देखा ना गया और उसने छठ पूजा की और व्रत रखा, जिसके प्रभाव से कारण पांडवों को अपना खोया हुआ राज वापस मिल गया था। शाप से मुक्ति के लिए राजकुमारी सुकन्या ने रखा व्रत। बहुत समय पहले श्रेयाति नाम के एक राजा थे। उनकी अनेक स्त्रियां थीं, लेकिन उनकी एकमात्र संतान सुकन्या नामक पुत्री थी। राजा को अपनी पुत्री बहुत प्रिय थी। एक बार राजा श्रेयाति जंगल में शिकार खेलने गए, उनके साथ सुकन्या भी गई। जंगल में चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि तपस्या में इतने लीन थे कि उनके शरीर पर दीमक लग गई थी। बाबी से उनकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूल वंश उन बाबी के दोनों छिद्रों में जहाँ ऋषि की आंखें थी तिनके डाल दिए, जिससे मुनि की आंखें फूट गई। क्रोधित होकर चवन ऋषि ने श्राप दिया, जिससे राजा श्रेयाति के सैनिकों का मलमूत्र निकलना बंद हो गया। सैनिक दर्द से तड़पने लगे। जब यह बात राजा श्रेयाति को मालूम हुई तो वह सुकन्या को लेकर चवन मुनि के पास क्षमा मांगने पहुँचे। राजा ने अपनी पुत्री के अपराध को देखते हुए उसे ऋषि को भी समर्पित कर दिया। सुकन्या ऋषि चवन के पास रहकर ही उनकी सेवा करने लगी। एक दिन कार्तिक मास में सुकन्या जल लाने के लिए पुष्पकरणी के समीप गई। वहां उसे एक नागकन्या मिली। नागकन्या ने सुकन्या को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य को उपासना व्रत करने को कहा। सुकन्या ने पूरी निष्ठा से छठ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से चवन मुनि की आंखें की ज्योति पुनः लौट आई। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियवंत परवार ने रखा व्रत। छठ पूजा करने से संतानों की लंबी आयु के साथ साथ निसंतान को जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। इस बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार एक राजा था जिसका नाम श्याम भू मनु था। उनका एक पुत्र प्रियव्रत था जो एक राजा था, लेकिन अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब महर्षि कश्यप ने पुचेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी को प्रसाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी का गर्भ ठहर गया, किंतु मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ। जब शिववंत उस मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए, पुत्र वियोग में प्रियव्रत ने भी प्राण त्यागने का प्रयास किया। ठीक उसी समय मणि के समान विमान पर षष्ठी देवी वहां पहुंची। राजा ने उन्हें देखकर अपने मृत पुत्र को जमीन में रख दिया और माता ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे सुव्रतो, आप कौन हैं? तब देवी ने कहा कि मैं षष्ठी माता हूँ। साथ ही इतना कहते ही देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और खेल खेल में उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद माता ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो और सभी लोगों से कहो कि मेरे जिससे प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी होगी। साथ ही वे वो वंश यश को प्राप्त करेगा। जिसके बाद राजा ने घर जाके बड़े उत्साह से नियमानुसार
षष्ठी देवी की पूजा संपन्न की। जिस दिन यह घटना हुई और राजा ने वो पूजा की, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी। इसके कारण तब से षष्ठी देवी यानी कि छठ देवी का व्रत प्रारंभ हुआ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।